पट्टे को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना और पानी की समस्या को लेकर हम लोगों ने उधर घेराव किया था, जिसने वो आंदोलन में इतना फर्क किया, दूसरे दिन ही, चार दिन में नल आते थे तो एक दिन के अंदर में नल आने लगे। दूसरी चीज ये कि पेंशन समय में डलने लगी, और हमारा आंदोलन हमेशा जारी रहेगा। प्रधानमंत्री आवास की किस्तें भी हम डलवाएंगे, और भाजपा इतना हमारे आंदोलन से इतना भौंकला गया कि उन्होंने 25 तारीख को रैली निकालकर जनता को गाली बकी और अभद्रता से व्यवहार किया, और इतनी मतलब ऐसी गाली बकी है जिसे ना महिलाएं सुन सकती हैं हर रही की, ना माताएं बहनें सुन सकती हैं। तो आज हम मनोज नेवा के खिलाफ यहाँ पर टीआई साहब के पास समक्ष पहुंचे हैं, और एसपी साहब ज्ञापन दिया है कि 7 दिन के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो युवक कांग्रेस द्वारा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा, एनएसयूआई द्वारा और नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा 7 दिनों के भीतर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रधान की होगी। आपका नाम? अंशु सोनी, ब्लॉक युवक कांग्रेस। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।